अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। गुड मॉर्निंग दीदी मोनी, आज क्या होगा? क्या होगा मतलब? आप मेरा राशिफल पढ़ेंगी तो पता चलेगा ना कि आज क्या होगा। राशिफल? आप कौन? मैं दीदीमोनी, आमी नीताई। आपको मैं याद है ना दीदीमोनी? ओ माँ को, अरे बाबा रे दीदीमोनी, आगे से ऐसा मजाक कभी नहीं करना मेरे साथ, मेरा एकदम हार्ट फेल हो जाता है। नीताई तू भी ना बैठ, थोड़ी फिकर कम किया कर, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं, मैं जानता हूँ आप अभी एकदम अच्छी हो गई हो। पहले क्या मैं बुरी थी? हाँ नहीं नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। छोड़ दे, न्यूज़पेपर आपको आपकी भविष्यवाणी पढ़ के सुनाई जाए। जय माता दी, जय माता दी। तो निताई, तो आपकी धनुराशि ये कहती है कि आज का दिन आपके लिए कुछ खास नहीं लग रहा। जय मां काली, क्या लिखा है इसमें? लिखा है कि आज तुझे मॉम से बहुत डांट पड़ने वाली है। डैड तो आज तुझसे अपनी सारी पुरानी जूते पॉलिश करवाएंगे। ऋषि जब ये सब देखेगा ना तो पता है क्या करेगा? वो सोचेगा लगे आ तो मैं भी अपनी सारी फुटबॉल ट्रॉफीज पॉलिश करवा दूं। तो आज का पूरा दिन निताई के लिए सिर्फ सफाई ही सफाई है। दीदी बोनी, आप फिर से मेरी टांग खींच रही हो। और नहीं तो क्या, इन सब बातों पे कोई यकीन करता है क्या? ऐसा नहीं बोलता है। अच्छा चलो, आप अपना राशिफल पढ़ के बताओ, देखते हैं आज आपके सितारों में क्या लिखा है। मेरा राशिफल? प्लीज निताई, ये सब बकवास है, मुझे नहीं पढ़ना ये राशिफल और व्हाटएवर। नहीं नहीं दीदी बोलिए, एक बार पढ़ो ना प्लीज, मेरे लिए प्लीज प्लीज, सिर्फ तेरे लिए प्लीज प्लीज प्लीज। आज आपका दिन बहुत खास होगा। हर एक राशि के बारे में यही लिखते ये लोग। खूब भालो, आगे पढ़िए ना निताई। पढ़िए ना। आज आप अपने अतीत के ओर तो झांकेंगे ही और एक नजर अपने भविष्य की तरफ भी मारेंगे। कहते हैं कि हमारे दोनों हाथों में एक हाथ अतीत का होता है और दूसरा भविष्य का। आज आपके दोनों हाथों की रेखाएं मिलने वाली है। कुछ भी लिखते हैं ये लोग। आज 17 सितंबर है, एक आम दिन जैसे कल था। आज 17 सितंबर है और आपके दो हाथ की रेखाएं मिलने वाली है। निताई, इन सब बातों में उलझा मत कर, जितना वहम पालेगा ना उतनी तेरी जिंदगी मुश्किल हो जाएगी, समझा? 17 सितंबर, आज 17 सितंबर है। दीदी मोनी, आज का दिन खास ही तो है, आज आपका एनिवर्सरी। क्या सारे गामा, आज का दिन थोड़ी खासी है, खासी। आज का दिन बहुत आम है, आम हमारा गांव में बहुत अच्छा मिलता है। आम गांव, ये कैसी बातें कर रहा है तूने ताई? हाँ सच बता, आज का दिन मेरे लिए कोई मायने रखता था मेरे एक्सीडेंट से पहले? एक्सीडेंट के पहले मैडम आप इधर मिताई। मैं कब से ग्रीन टी का इंतजार कर रही हूँ, तुमने भेजी नहीं? लाता हूँ। निताई। मॉम, मैं निताई से बात कर रही थी ना। मेरा बच्चा बाद में कर लेना, निताई यही है ना, तुम तो जानती हो मुझे ग्रीन टी चाहिए योगा के बाद। God, I'm late. निताई, तुम्हें कितनी बार कहा है कि ग्रीन टी में दूध नहीं डालते, तुम्हें याद नहीं रहता है? मुझे याद है, आज दीदी मुनि का शादी का सालगिरह है। इधर बैठो, इधर
निताई, तो तुम्हें ये भी याद होगा, एक साल पहले जब मुस्कान का एक्सीडेंट हुआ था और उसे हम हॉस्पिटल से घर लेके आए थे, तो हमने सब कुछ बदल दिया था। हमारा पुराना घर, हमारा पुराना स्टाफ और वो सारी चीजें जो मुस्कान के अतीत से जुड़ी हुई थी, सिवाय तुम्हारे, क्योंकि तुम साहब के सामने गिड़गिड़ाए थे कि मुस्कान मेरी बहन जैसी है, ये घर मेरे घर जैसा है। और तुमने एक वादा भी किया था कि तुम मुस्कान से उसके अतीत के बारे में कुछ नहीं कहोगे, कभी नहीं। याद है कि नहीं? नहीं नहीं, याद है याद है। तो फिर आज क्या हुआ था? दीदी मुनि अपना अतीत के बारे में कुछ पूछता नहीं ना, लेकिन आज क्या हुआ? क्या पूछा दीदी ने? उसे कुछ याद तो नहीं आया ना? नहीं 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 नहीं, दीदी मुनि बस इतना पूछ रहा था, मैं और दीदी मुनि एक्सीडेंट के पहले से ही क्या इस तरह और राशिफल के बारे में पढ़ते थे कि नहीं, बस इतना। जाओ। ऋषि, टोस्ट पे मक्खन और बिजनेस में कस्टमर सेटिस्फेक्शन, इन दोनों बहुत अहम होते हैं। कुछ समझा कि नहीं? बिल्कुल नहीं समझा। पता है क्यों? डैड, इतनी मक्खनबाजी ना तो बिजनेस के लिए ठीक होती है और ना ही सेहत के लिए। डैड, ये क्या है? आप टोस्ट पे बटर लगा रहे कि बटर पे टोस्ट? बेटा कुछ नहीं, बस थोड़ा सा है, थोड़ा सा है। राइट, थोड़ा सा है। और ऋषि तू डैड से कुछ कह नहीं सकता क्या? अरे कुछ फायदा है कहने का? डैड को जो रोक सके ना, वो आज तक पैदा ही नहीं हुआ है। क्यों मॉम? मैं भी नहीं। चमचा? हाँ तो क्या हो गया? हूँ मैं चमचा? मैं मॉम का चमचा हूँ और तुम ना डैड की कड़छी हो। बिल्कुल सही कहा तुमने ऋषि, बचपन से ऐसा ही है। ऋषि इज मामाज बॉय और मुस्कान डैड गर्ल। करेक्ट। Love you, Dad. Love you, Mom. Okay, अब मैं जा रही हूँ, बाकी बातें शाम में। Okay, bye. ये टोस्ट अब मैं रख लेता हूँ। Dad, आप भी ना। अच्छा एक बात बताओ, तुम जिंदगी भर केक्स दूसरों के बनाते रहोगे कि डैड के भी कुछ बनाओगी? हैं? कब से ये सिक्स पैक एब्स तुम्हारे वो फैमिली पैक केक का इंतजार कर रहे हैं, बेताब है, कुछ खिलाओ भी हमें भाई। डैड, मैं बेकिंग की नई रेसिपीज ट्राई करने वाली हूँ, सब के सब आप पे टेस्ट करूंगी। टेस्ट तुम करना, टेस्ट हम करेंगे। पक्का डैड, अब मैं जा रही हूँ। ओए, नॉट गोइंग। तुम मेरे साथ रहोगी? हाँ। पता है ठाकुर और विंजर का नया ज्वेलरी कैटलॉग आया है, वो फैशन वीक में अपनी डिजाइन डिस्प्ले कर रहे हैं और हम दोनों को बैठ के बेस्ट एक्सक्लूसिव डिजाइन सेलेक्ट करनी है, सो आई नीड यू। मॉम, आपको तो पता है ना कि मुझे इन सब बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप एक काम करिए, आप डैड और ऋषि को ज्वेलरी दिखाइए। ओके, नॉन लीव दैट, आई एम गेटिंग इट। हाउ विल आई चूज ज्वेलरी? मुस्कान, ओह गॉड, रेसिपीज निता ले आएगा? इट्स ओके डैड, मैं ले लेती हूँ। कॉफी मफिन, उसकी जिंदगी का मकसद यही है। 5 साल वो मिडिल क्लास लोगों के साथ क्या रही, उसकी लाइफ ही चेंज हो गई। तारा प्लीज मेरी बेटी के बारे में इस तरह बात मत करो, तुम उसकी जिंदगी की रिमोट हमेशा अपने हाथ में नहीं रख सकती। तो जीने दो उसे अपनी जिंदगी। You're right, अभी जीने दो उसे उसकी जिंदगी, ताकि दोबारा वो वही गलती करे जो उसने पिछली बार की थी। By the way, आपको याद है आज कौन सा दिन है? मुझे तो याद है तारा, अफसोस इस बात का है कि इस काम को याद नहीं। निताई भी ना, इस घर में कोई भी चीज जगह पर नहीं मिलती। मुस्कान जी, डैड बेटे आप खुश तो है ना? खुश बिल्कुल भी नहीं, इनफैक्ट मैं तो बहुत 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 दुखी हूँ। पता है डैड, कपकेक समूह का लेटेस्ट एडिशन ऑर्डर किया था खास लंदन से,
पता नहीं कहाँ रख दिया मैंने डैड, और हमारे कैफे में किसी ने एक सरप्राइज रखा है, उसे बुक किया है, वहाँ के सारे डेकोरेशन और इंतजाम भी देखने हैं डैड। और पता है क्या, हमारे यहाँ जो नई शेफ आई है ना, वो हर काम इतना स्लो करती कि दिल करता है कि मैं ही सब कुछ करूं। और अच्छा, बस 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 बस। अरे पगली, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता था कि तू अपनी जिंदगी में खुश है कि नहीं। मैं अपनी जिंदगी में क्यों नहीं खुश होंगी डैड? ऑफ कोर्स मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ, लेकिन आप क्यों पूछ रहे मुझसे ये? मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? आखिर डैड हूँ तुम्हारा, और तुम्हारी खुशी की जिम्मेदारी मेरी है। ओके, मेरे जिम्मेदार डैड, मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ, लेकिन पता है इस वक्त अगर मैं कैफे नहीं पहुंची ना, तो मैं बहुत दुखी हो जाऊंगी। और वैसे भी डैड, आज मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट शख्स से मिलना है। Why are we standing here? Come on, come on, go, 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 okay, bye, dad. जी डैड, एक बात करनी थी तुमसे। कहिए ना बेटे। जिंदगी में कभी भी कोई कंफ्यूजन हो ना, तो अपनी दिल की बात सुनना, दिमाग की नहीं, क्योंकि दिमाग याददाश्त खो सकता है लेकिन दिल नहीं। थैंक यू डैड, लव यू, बाय बाय बेटे। अरे मुस्कान, 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 एक मिनट। तुमने अभी कहा कि तुम किसी इम्पोर्टेंट शख्स से मिलने जा रही हो, अभी 10 भी नहीं बजे है, कैफे भी नहीं खुला है, तो कहाँ जा रही हो तुम? एमजी रोड। एमजी रोड, और वो शख्स कौन है? बस है कोई स्पेशल, वो जो मेरी जिंदगी में बहुत मिठास लाता है। ओके डैड, आई एम गेटिंग लेट नाउ, ओके बाय। ओके बाय। ओह, बाय मॉम, बाय ऋषि, बाय डैड, बाय बेटे। इस एक्सीडेंट से दो चीजें अच्छी हुई है, मुस्कान को उसके अतीत से छुटकारा मिला, और मुस्कान के चेहरे पर मुस्कुराहट फिर से आ गई। पता है मॉम डैड, जब मैं मुस्कान को ऐसी अपनी नई जिंदगी में खुश देखता हूँ, तो अक्सर सोचता रहता हूँ कि पता नहीं रोहन किस हाल में होगा। बेटे, जिस तरह मुस्कान अपनी जिंदगी में खुश है, ऐसे रोहन भी अपनी जिंदगी में खुश होगा। जिंदगी ने उसके लिए भी जरूर नए दरवाजे खोल दिए होंगे। अरे कहाँ हो तुम? मैं तो ऑलरेडी पहुंचे यहाँ। अरे मैं तो कब से यही हूँ। अच्छा, आई थिंक तुम मुझे नजर आ रही हो। मैं आ रहा हूं, फोन रखता हूं, बाय। सॉरी यार, हाय। ले लो, चले। चलो। वैसे अच्छा हुआ कि तुम मुझे पिक करने के लिए आ गए। आज तो मेरे पास इतना सारा सामान भी था, और ये रिक्शे वाले पता नहीं इन लोगों को आजकल क्या हो गया। जब देखो हड़ताल करके बैठ जाते, अरे ये भी नहीं सोचते कि लोग कैसे आएंगे, कैसे जाएंगे, कैसे अपना काम खत्म करेंगे। नहीं, बस हड़ताल कर लो, हो गया। एनीवेज, थैंक यू सो मच। पागल हो गया क्या? अरे हम तो पैदा इसीलिए होते कि तुम जैसी हसीनाओं को हम लिफ्ट दे सके।
वैसे भी हमें जाना तो एक ही जगह है ना, मंजिल तो हमारी एक ही है ना। आए, हाय, कितने फिल्मी हो ना तुम, हाँ? दो इधर। इसीलिए तो तुम्हारा दोस्त हूँ, और दोस्ती की है तो निभानी तो पड़ेगी ना। लेकिन सीरियसली रोहन, जब से मैं तुम्हारे घर पे एज अ पेइंग गेस्ट शिफ्ट हुई हूँ ना, मेरी लाइफ पहले से बहुत बेटर हो गई है। अरे पता ही नहीं चलता है मैं अपने घर पे हूँ कि तुम्हारे घर पे हूँ। आई फील लाइक होम ओनली। नहीं तो दिल्ली जैसे शहर से यहाँ पे आके शिफ्ट होना कोई आसान बात नहीं थी। अरे वो तो मेरी तकदीर अच्छी थी, तभी तो मुझे तुम और तुम्हारी फैमिली मिल गए। कभी कभी 6 महीनों में ऐसा लगता है ना जैसे हम किसी को कितने सालों से जानते है ना, और कभी कभी हम किसी को सालों से जानते फिर भी हमारी याददाश्त हमें धोखा दे जाती है। यार रोहन तुमने फिर से ड्रामा करना शुरू कर दिया। अरे मैं तुम्हारी तारीफ कर रही हूँ और तुम बातों को घुमाए जा रहे हो। हम सीरियस, अगर इतने दिनों में तुम मुझे नहीं मिलते ना तो पता नहीं मैं क्या करती। गॉड थैंक यू। अच्छा चलो ये सब छोड़ो, जब मैं तुम्हारे साथ ही हूँ तो और क्या क्या करने का इरादा है। तुमने फिर से फ्लर्ट करना शुरू कर दिया, हाँ? चलो ओके 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 जा रहा हूँ जा रहा हूँ जा रहा हूँ। सारा मॉल उठा लिया क्या? अरे हाँ, अपने प्ले के लिए कॉस्ट्यूम्स लेने के लिए गई थी और कुछ प्रॉप्स थे, बस वही लेके आ रही हूँ। देखो नाइस ना, सारा काम हो गया, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज रह गई है। रोहन लिसन टू मी नो। अरे मैंने अपने डायरेक्टर से एक नाटक की बुक बोरो की थी, पता नहीं मुझसे गलती से कहीं खो गई है। मैंने मॉल में भी कंफर्म किया लेकिन वहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक थी। कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, आई एम सो कंफ्यूज। लेकिन मैं आधे घंटे में फ्री हो जाऊंगी, उसके बाद क्योंकि तुम आ ही गए हो तो हम सामने वाले कैफे में मिलते हैं कॉफी के लिए। चलो बाय, सी यू। अब क्या हुआ? एक और चीज, तुम प्लीज वो बुक ढूंढने में मेरी हेल्प करोगे? अरे आई नो तुम करोगे। ओके चलो बाय। अरे बुक का नाम क्या है? बर लव लॉस्ट एंड फाउंड। ठीक है चलो बाय बाय। लव लॉस्ट एंड फाउंड, लव लॉस्ट एंड फाउंड, बड़ी हमारे दुकान में ये एक ही किताब बचा है। थैंक यू सो मच। हेलो, हाँ जी। अरे लेकिन मिस्टर वारी, आपने तो कहा था कि आज आप मेरी चीनी के सप्लायर्स के साथ मीटिंग करवाएंगे, इसलिए तो मैं यहाँ एमजी रोड आई थी, और अब आप कह रहे क्यों नहीं मिल सकते हैं? आई नो मिस्टर वारी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन आप तो जानते हैं कि मेरा उनसे मिलना कितना जरूरी है। ओके ठीक है, मैं आपके फोन का इंतजार करूंगी। देखिए अगर एक और दिन चीनी नहीं आई ना तो मुझे केक में नमक डालना पड़ेगा। ओके बाय। आपके हाथ में जो किताबें वो मेरी है। हेलो, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मुझे सर इग्नोर नहीं कर सकते। आपको सुनाई नहीं देता क्या? देखिए आपके हाथ में जो बुक है वो मेरी है, मैंने लिखी नहीं लेकिन मुझे खरीदनी थी, मैंने सबसे पहले उसे सिलेक्ट किया था, प्लीज आप उसे वापस दे दीजिए। अरे मैंने उसे सिलेक्ट किया था, आप इस तरह उस किताब को नहीं लेके जा सकते। भाई साहब वो मेरी किताब, बुक अब मेरी है। हेलो